हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में। और जैसा कि हमारी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 2 की। देखेंगे कि जिनका बेसिक नंबर 2 होता है, डेस्टिनी नंबर 2 होता है, उनको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपने इससे पहले का सेशन नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने न्यूमरोलॉजी 1 के बारे में बताया हुआ है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आगे जब हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, कि क्योंकि सबकी ऐसा तो है नहीं कि सबकी उसमें सिर्फ 2 ही रिपीट होगा, तो कॉम्बिनेशन होंगे 1 और 2 के, 1 और 5, 1 और 6, 2, 3, 2, 4, इस तरीके के कॉम्बिनेशन होंगे, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लाइव सेशंस करते हैं, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपको लाइव सेशन में मैं आंसर देता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट उस लाइव सेशन में आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसमें यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वो दो इन दो साइंस की हेल्प से मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। प्लस लाइव मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है और जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज़ होती है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो आप उस सेशन में आ सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के साथ। 1 नंबर हमने जाना था सन का होता है, वैसे ही 2nd नंबर होता है हमारे मून का। मून होता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर हम कहें तो अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो चंद्रमा हमारी माता के कारक होते हैं, मदरली फिगर होती है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, काइंड हार्टेड होता है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, लड़ने की ताकत कम होती है, लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी कम होती है क्योंकि सॉफ्ट है। और चीज़ें अब क्या होता है, अब हम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले सेशन में, जैसे हम ये डी और डी है, सपोज़ कीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20, आप इन डेट ऑफ बर्थ का स्टार्टिंग की जो डिजिट है आपकी उसका सम कर लीजिए। अगर बेसिक नंबर 2 आता है और डेस्टिनी नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू। डेस्टिनी नंबर आपका आएगा जब आप इन सारी डिजिट्स को सम करेंगे, आगे मैं आपको एग्जांपल में भी दिखाऊंगा कैसे होगा। अगर आप इन सबको सम करेंगे तो आपका डेस्टिनी नंबर आएगा, और अगर आप सिर्फ डेट की 2 डिजिट्स को का सम करेंगे तो आपको बेसिक नंबर मिलेगा। बेसिक नंबर जो होता है वो मतलब आप कह सकते हैं कि टिल द एज ऑफ 30 एक्टिवेट रहता है, और उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप नंबर 2 की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मून होता है, तो थोड़ा सा सबसे पहली बात है अगर मल्टीपल 2 नहीं है, जैसा कि मैंने 1 में भी बताया था मल्टीपल 1 नहीं होने चाहिए, वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से अगर आपका न्यूमरोलॉजी में मल्टीपल 2 आ जाते हैं तो वो नेगेटिव है, अदरवाइज 2 स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनली बैलेंस है, डिप्रेशन में जाने के कम चांसेस हैं, कॉन्फिडेंस ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन है, काइंड हार्टेड है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ, मदरली फिगर है, मदरली इंस्टिंक्ट्स होंगे उसके अंदर, केयरिंग होगा, जो भी जिसका भी नंबर 2 होगा बहुत केयरिंग होगा, लविंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, एक पॉजिटिव ऑरा उसके अराउंड होगी, ये सब चीज़ें उसके साथ होंगी। लेकिन यही 2 अगर मल्टीपल 2 बन जाते हैं तो ये सब चीज़ें अपोजिट होती हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, पहले मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल में क्या है, सपोज़ कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20, तो आपके बेसिक नंबर निकल के आ गया 20, क्योंकि आपने 2 और 0 को प्लस किया तो बेसिक नंबर निकल के आया 20। अब आपने 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 को प्लस किया तो आपका डेस्टिनी नंबर आ गया 6। 6 नंबर हो गया वीनस का, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे 2 और 6 के। लेकिन अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे इसमें 1 2 2 क्या कहते हैं 2 जो आ रहा है आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 आपका अभी नेगेटिव हो गया। ये 2 क्या होगा, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाएगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा कैसे होते हैं जिनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, इनको इमोशनली इनको कोई पैम्पर करने वाला चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होने लग जाएगा, ये सब चीज़ें इनके साथ होंगी। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर, ये डिपेंड करेगा, अगर डेस्टिनी नंबर 1 आ जाता है, मैं सिर्फ अभी मैं आपको, क्योंकि आप इसको पूरा आप जज मत कर लीजिएगा कि नहीं मेरा बेसिक नंबर 2 है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपने वीडियो देख के देख लिया कि नहीं मेरा डेस्टिनी नंबर 2 है और मेरा सॉरी बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 2 है, मल्टीपल 2 मेरे उसमें आ रहे तो ऐसा ऐसा है ये, तो बट आपके साथ अपोजिट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ होता क्या, अगर आपके साथ सपोज़ कीजिए जैसे कि यहाँ पे इसमें 1 भी आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था अगर 1 एक बार आ रहा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, तो ये जो डिप्रेशन है इससे आप बाहर आ गए,
आपके साथ नाइन है, नाइन होता है कॉन्फिडेंस का कारक, क्योंकि नाइन है मार्स, वन है सन, वन और नाइन लर्न पर्सन, लर्निड पर्सन होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एजुकेशन उसकी काफ़ी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट होता है, बोल्ड होता है, बोल्ड पर्सनैलिटी होता है, बहुत एक मतलब आप कह सकते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो स्ट्रेंथ है वो टू की जो नेगेटिविटी है मल्टीपल टू की उसको कम कर देगी। तो इस तरीके से होगा, अभी हम सिर्फ टू की बात कर रहे हैं तो ये आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज़ आगे चल के जब हम कॉम्बिनेशन बात करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। अब इसके साथ क्या होता है, जो जो अगर आपका मल्टीपल टाइम टू है और यहाँ पे सपोज़ कीजिए वन और नाइन नहीं है सपोर्ट करने के लिए, अगर मल्टीपल टाइम टू है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, आई इश्यूज़, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपका टू ख़राब है। अदरवाइज़ आइए आपको एक बहुत ही अच्छी मतलब एक बैकएंड पे जो बहुत अच्छे लोग काम करते हैं ना, प्लानिंग, ये भी वो आपको देगा अगर ये आपका पॉजिटिव है। तो अब ये बाकी हम बात डिटेल में फिर कभी करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो ख़त्म करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन है अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, अदरवाइज लाइव सेशन में क्वेश्चन कीजिए उसमें तो आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।